ओम श्रीम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय नमः। 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 ओम श्रीम ग्रीम ग्रीम ओम चामुंडाय नमः। रानी चंद्रकांता को काले जादू ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसे इनका शरीर जर्जर हो गया है और ये मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई है। अब महारानी का जीवन आपके भरोसे है। बाबा रुद्रनाथ का कहना है कि संसार के हर काले जादू का काट आपके पास है पुजारी जी। यदि आपकी कृपा दृष्टि हमारी निर्दोष और निश्चल महारानी जी पर पड़ जाए तो उन्हें काले जादू के प्रभाव से तुरंत मुक्ति मिल सकती है पुजारी जी। हम महारानी पर पड़ी काली छाया को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु हमें घोर आश्चर्य हो रहा है कि कौन है वो दुष्ट जिसने महारानी के शरीर पर इतने कांटे चुभोए हैं, जिससे महारानी का शरीर छलनी हो गया है। रानी जी के शरीर पर किसी ने सैकड़ों कांटे चुभोए हैं, किंतु ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने एक क्षण के लिए भी महारानी जी को कभी अकेला नहीं छोड़ा पुजारी जी। जिसने भी घृणित कार्य किया है उसने महल से दूर किसी अज्ञात श्मशान घाट में बैठकर महारानी के ऊपर सैकड़ों कांटे फेंके हैं। वो दुष्ट तंत्र का दुरुपयोग करके महारानी के प्राण लेना चाहता है। महारानी को इतनी असहनीय पीड़ा देकर मृत्यु की कगार तक लाने वाले को हम चैन से नहीं रहने देंगे। हमारी दिव्य दृष्टि उसे अति शीघ्र खोज लेगी। परंतु बाबा, इस समय हमें चिंता है महारानी के प्राणों की। आप अपनी समस्त शक्तियां लगा दीजिए, महारानी के प्राणों की रक्षा कीजिए ताकि प्रजा दुखों से बच जाए। यदि महारानी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ सब में त्राही त्राही मच जाएगी बाबा, त्राही त्राही मच जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो प्रजा की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा जिसने मानव शव साधना के द्वारा यह पाप किया है। चंद्रकांता को शव में बदल दे, चंद्रकांता को शव में बदल दे। अब संकट टल गया है, महारानी पर हुए तंत्र का प्रभाव अब समाप्त हो गया है और अब मृत्यु के बादल छट गए। आपने हमारे भरोसे को टूटने दीजिए अब पुजारी बाबा। यदि हम आपकी शरण में समय पर ना आते तो महारानी को खो देना निश्चित था। अमावस के समाप्त होते ही ठीक समय पर आपका आगमन हो गया था बाबा रुद्रनाथ। अब आने वाला दिन रानी चंद्रकांता के जीवन में उजाला लेकर आएगा और जिसने इनकी मृत्यु के लिए काला जादू किया था उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा और उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ, जिसने महारानी का बुरा चाहा था उसे अपने कुकर्मों का फल मिलने वाला है और उसे वो घोर कष्ट सहने हैं
जो उसने महारानी को पहुंचाए। यही तो कुदरत का नियम है, जो दूसरों के लिए कांटे बोता है एक दिन वही कांटे उसके पैर में शूल बनकर चुभते हैं। लेकिन अब वो तंत्र उल्टा पड़ गया है, अब वो तंत्र उसी को जलाकर राख कर देगा जिसने रानी चंद्रकांता को तंत्र की आग में जलाने का प्रयास किया था। अवश्य वो पापी चुनारगढ़ के महल में रहने वाला कोई शत्रु ही हो सकता है बाबा। महारानी जी के पूर्ण स्वस्थ होते ही उसका पता भी अवश्य चल जाएगा। अब उसे स्वयं इसका दंड मिलने वाला है। जब तंत्र का प्रभाव उल्टा हो जाता है तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। वो तिल तिल कर मरने पर विवश हो जाता है। पीड़ा और कष्टों से ऐसी उसकी दुर्गति होती है कि वो मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाता है, परंतु मृत्यु उसके समीप नहीं आती। अब अंधेरा घिरते ही उस तंत्र का प्रकोप उस दुष्ट पर पड़ेगा जिसने रानी को मृत्यु के पास पहुंचाया है।